आज हम प्लस टू क्लास का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम और मिनिमम के, वो डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हम पार्ट फर्स्ट आज लेके आए हैं आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन क्योंकि लेंथी हैं, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा इसके पार्ट वाइज पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक डिस्कस करूँ। हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसमें सभी साइड 10 सेंटीमीटर हैं बेस को छोड़ के। तो इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं परपेंडिकुलर। तो ये मैंने एक्सपोज किया, ये भी x हो गया, तो ये कितना रह गया मेरा 10। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस वैल्यू, इसको नाम दे दूंगा मैं EF यहां पे। तो DE जो हाइट है वो कितनी निकली मेरी, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस x के। ये मैंने क्यों निकाली, बिकॉज मेरे को कहा गया है इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम प्रूव करो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1/2 हाइट कितनी है, अंडर रूट 10 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 10 प्लस 10 इज 20 प्लस एक्स इट मींस 20 प्लस 2x। तो यहां से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 मैं बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल कर दूंगा यहां पे। तो ये चीज मेरे पास आ चुकी है 10 प्लस एक्स ए। तो अब मैंने इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, इट मींस मेरे को यहां पे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहां पे u इंटू v का फॉर्मूला, u ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव, प्लस v को ऐसे लिखेंगे इसका डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव x स्क्वायर का माइनस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, dA अपॉन dx दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ये यहां पे अंडर रूट कैंसिल और ये आ जाएगा माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। फिर आ जाएगा ये dA अपॉन dx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन दिस। इसका सेकंड डेरिवेटिव मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के वैल्यू ऑफ एक्स निकालूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन दिस इज इक्वल टू 0, 50 10x माइनस 5x मेरे पास x की वैल्यू एक तो 5 आई एक माइनस 10, तो माइनस 10 रिजेक्ट की मैंने, बिकॉज वैल्यू ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसके बाद मैंने करना है सेकंड डेरिवेटिव, वो देखते हैं। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली ऐसी, नीचे वाली का डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव माइनस 2x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाली का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू x की 5 है वो इस क्वेश्चन में पुट करके देखूंगा। तो इसी का तो ये रूट है, इट मींस इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, x को 5 यहां पे पुट करोगे 0 हो जाएगा, ये सारा ही 0। तो सिर्फ इतनी वैल्यू आई हमारे पास जिसमें x को 5 पुट करना है हमने, ये आ जाएगा 100 माइनस 25 इज 75, ये आ जाएगा 520 इज माइनस 30 अपॉन 75, नेगेटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो आंसर हमारा मैक्सिमम होता है। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमने निकालना है एरिया। एरिया में यहां पे वैल्यू पुट करूंगा x को 5, ये आ जाएगा 15 रूट 75 स्क्वायर यूनिट्स,
इसके साथ ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में है जिसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे। तो सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई और ये भी एक्स है, इट मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों एक्स हैं। तो मेरे को गिवन है इस क्वेश्चन में पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में इसका निकालूंगा फिगर का, ये आ जाएगा एक्स 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 कितनी बार 3x प्लस 2y। तो पेरीमीटर गिवन है 12, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। इसके बाद मेरे को कहा गया है इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द विंडो इज मैक्सिमम, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया एरिया होगा पहले रेक्टेंगल का एल इंटू बी प्लस रूट 3/2 इंटू साइड स्क्वायर। एल कितना है लेंथ, एक्स इंटू वाई, साइड स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू पुट करूंगा मैं वाई की, ये आ गया 1/2 कॉमन, बाहर लिखूंगा मैं 12x माइनस 3x स्क्वायर, एरिया निकल गया मेरे पास। अब मैंने इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 12 माइनस 6x प्लस रूट 3/4 इंटू 2x। अगेन डेरिवेटिव माइनस 6 2x का 2, तो ये आ जाएगा मेरा यहां पे ये कैंसल, रूट 3/2 इज 1.73/2 माइनस 3, तो ये छोटी वैल्यू है, ये नेगेटिव है, इट मींस लेस देन 0 आ जाएगा, तो मैक्सिमम तो हो गया मेरा। इसके बाद मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद ये आ जाएगा मेरा 12x माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला 1/2 इंटू 12 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/4 इंटू 2x। तो कैंसिल कर दूंगा मैं यहां से, ये इसके साथ, ये 2 के साथ 2, 12 इज इक्वल टू 6x प्लस रूट 3x, 12 इज इक्वल टू 6x प्लस रूट 3x। तो 12 इज इक्वल टू x कॉमन निकालूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12/6 प्लस रूट 3, लेंथ आ गई। अब मैं इसके बाद निकालूंगा इसकी ब्रेथ, यहां पे वैल्यू पुट करूंगा y, 12 माइनस 3 इंटू 12/6 प्लस रूट 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 72 12 रूट 3 माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस रूट 3। अब इसको सॉल्व आप खुद कर लोगे, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, इसी में ही मैं चेंज कर रहा हूं, इसी में ही थर्ड क्वेश्चन मेरा है, बाकी सारा सेम है। जो थर्ड क्वेश्चन है आज का मेरा थर्ड, सारा कुछ सेम है। यहां पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर पी है हमारे पास, और जहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है वहां पे लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कल, सेमी सर्कल, बस क्वेश्चन वही है सारा कुछ। क्या करना है हमने, अगेन सेम विंडो, ये आया हमारा सेमी सर्कल। अब ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई, तो सेमी सर्कल ऐसे है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर मींस सर्कमफ्रेंस 2πr होता है टोटल का, तो इसका रह जाएगा हमारा सेमी का पाई आर, और रेडियस इसका क्या होगा, रेडियस वो होगा x बाय 2। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे x प्लस 2y प्लस पाई आर, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है x बाय 2, यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा अपॉन 2 आएगा साथ में, यहां पे लिख दूंगा मैं सीधा ही, y की वैल्यू आ गई मेरी
अब एरिया निकालना है इसका, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ मींस एक्स इनटू वाई, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय टू, रेडियस है एक्स बाय टू उसका स्क्वायर। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा वाई की, ये आ गया पी बाय टू माइनस एक्स बाय टू माइनस पाई एक्स बाय फोर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय एट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और पी एक्स बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय एट बाय टू बाय फोर पाई एक्स स्क्वायर बाय एट, ये हमारा एरिया आ चुका है। अब सेम मेथड है इस क्वेश्चन का, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे फिर सेकंड करोगे, फर्स्ट को इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो हमारा मैक्सिमम होगा और आप वाई की वैल्यू निकाल दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, स्क्वायर पीस ऑफ टिन। जैसे कि मेरे पास ये कोई स्क्वायर शेप की टिन का टुकड़ा है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है साइड, तो इसके हर एक कॉर्नर से मैंने एक स्क्वायर कट कर दी ऐसे, स्क्वायर की जो साइड है मैंने एक्सपोज कर ली, मैं एक लिख देता हूं यहां पे, ये कट कर दी मैंने। कट करने के बाद फिर आपके पास जो फिगर बची, जैसे कि ये मेरे पास है, वैसे तो ये रेक्टेंगल की फॉर्म है, चलो करके बता रहा हूं आपको, जैसे ये देखो ये एक स्क्वायर था, यहां से मैंने कट कर दी ये वाली, ऐसी हर एक साइड पे हम एक स्क्वायर कट करेंगे। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये कट करने के बाद इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया ऐसे, ये एक ओपन बॉक्स बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ये देखो एक ओपन बॉक्स बन रहा है। इसका जो वॉल्यूम है हमने वो निकालना है और वो प्रूव करना है मैक्सिमम, ये वाला। तो इट मींस इसकी लेंथ बॉक्स की कितनी होगी लेंथ, तो ये टोटल थी हमारे पास यहां से यहां तक 24, एक्स इधर को कैंसिल होगी एक्स इधर को, इट मींस 24 माइनस 2x, ये भी 24 माइनस 2x, और हाइट इसकी कितनी होगी ये वाली, ये कितना कट किया एक्स, बस। अब क्वेश्चन सॉल्व है, वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, ये आ गया इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट 2x का माइनस 2 प्लस होल स्क्वायर इंटू एक्स का वन। अब 24 माइनस 2x कॉमन निकाल देंगे, माइनस 4x प्लस 24 माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 24, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम u इंटू वी, माइनस 6 माइनस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो यहां से 12 और एक आएगी x की 4। तो 12 मैं रिजेक्ट करूंगा यहां पे, अगर मैं यहां पे 12 पुट करूंगा तो लेंथ जीरो हो जाएगी, ब्रेथ भी जीरो, तो हाइट कुछ भी हो लेकिन वॉल्यूम ही जीरो हो जाएगा इसका, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 है हमारी, उसको मैं यहां पे पुट करूंगा वो लेस देन जीरो होगा, वो आपने खुद करना है, तो मेरा एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरे को कहा गया वॉल्यूम निकालो भी, तो वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, यहां पे पुट कर देंगे बस एक्स की वैल्यू, 4 24 माइनस 8 इज 16 होल स्क्वायर, 4 इंटू 256 1024 सेंटीमीटर क्यूब जो भी है यूनिट्स। तो इसके साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय।